हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ टीचर. आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 3. अब ये सॉल्व करें फर्स्ट पार्ट. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो ये यहाँ पे हमें सॉल्व करके क्वेश्चन में ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू का रेशियो फाइंड करके हमें बताना है कि इनका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो मैंने 3.2 का जब इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था, मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब हमें उन दोनों लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन मिले, मतलब हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू मिले जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. मतलब अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करो तो लेफ्ट इक्वल टू यहाँ पे राइट आ जाए. तो दोनों इक्वेशन के लिए जो प्रूव होगा, दोनों इक्वेशन के लिए फुलफिल होगी, तो हमें जब ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट. और हमें एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिले जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उस वो लाइन्स या वो इक्वेशन क्या हो जाती है? इनकंसिस्टेंट. तो यहाँ पे टोटल 3 सॉल्यूशन है या ग्राफ में. एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, को इंसिडेंट लाइन्स है. तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे कि ये अगर हमें सॉल्यूशन इस तरह से मिला ग्राफ के अंदर, तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. और उसकी कंडीशन क्या होती है कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू. और इस कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, एक ही वैल्यू एक्स और वाई की मिलेगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो यहाँ पे कि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट. ओके, नाउ पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, चाहे कितना ही बड़ा उनको लेंथ में कितना ही आगे तक ले लो या फिर पीछे तक भी बढ़ा लो, तो यहां हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो ये है इनकंसिस्टेंट. और को इंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए. ये एक लाइन है, इसके ऊपर ही एक और लाइन ओवरलैप कर जाए. तो यहाँ इस टाइप की कंडीशन में हमें मिलेंगे इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन. और उसकी कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे लगा के चेक करना है कि हमें सॉल्यूशन कंसिस्टेंट मिल रहा है या इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट हमें दो पॉइंट पे मिलेगा, या तो लाइन इंटरसेक्ट करे या फिर वो कोइंसिडेंट हो. और अगर लाइन्स पैरेलल है, ये कंडीशन होती है, तो इनकंसिस्टेंट. तो मैं आपको वन बाय वन इसके हम पांचों पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 5. तो हम इसको ए वन एक्स जो जनरल इक्वेशन है, बी वन वाई जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर, तो इससे हम इसको कंपेयर करते हैं. तो ये यहाँ पे हो गया ए वन हो गया हमारा यहाँ 3, बी वन इज 2 और सी वन यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन के भी इक्वल में है और यहाँ पे भी इक्वल में है, इसलिए हम सी वन को 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं. अदरवाइज इक्वेशन आपकी इक्वल 0 में होनी चाहिए. तो ये इधर आएगी तो -5 हो जाएगी, इधर -7 हो जाएगी, तो डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगी, इसलिए सी वन को हमने यहाँ पे 5 लिया. नाउ सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2x-3y = 7. दोनों इक्वल, सी वन और सी टू दोनों इक्वल के राइट साइड में, इसलिए हम इसको एज इट इज राइट कर रहे हैं. तो इसको हम कंपेयर करेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 से. तो ए टू हो गया एक्स का कॉफिशियंट, तो यहाँ पे 2 हो गया. बी टू एक्स वाई का कॉफिशियंट, तो -3 हो गया. और सी टू यहाँ पे कितना हो गया, 7. ओके, नाउ हम इन तीनों रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है उन तीनों की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं. तो दिस इम्प्लाइज ए वन अपॉन ए टू. ए वन यहां से हो गया 3 और ए टू कितना हो गया, 2. नाउ सेकेंड इज बी वन अपॉन बी टू. तो यहाँ बी वन है 2 और बी टू है -3. लास्ट सी वन अपॉन सी टू, तो सी वन यहाँ है 5 और सी टू है 7. तो फर्स्ट ये यहाँ पे जो कंडीशन है, क्योंकि दो में पैरेलल लाइन से को इंसिडेंट लाइन में ए वन अपॉन ए टू इक्वल में बी वन अपॉन बी टू है, यहाँ पे भी ए वन अपॉन ए टू इक्वल में बी वन अपॉन बी टू है. तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों के रेशियो इक्वल होंगे, तब हम इन दोनों में जाएंगे. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ ए वन अपॉन ए टू 3/2 है और बी वन अपॉन बी टू -2/-3 है. दैट मीन्स कि यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि यहाँ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू. तो इसका मतलब हेयर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू. ओके, यहाँ पे 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/2
-3. Therefore, the pair of लीनियर. तो यहाँ पे क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिली, ये कंडीशन किसकी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की. और हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ये तो ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट. तो यहाँ पे इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. ओके, नाउ हम सॉल्व करते हैं इसी का सेकंड पार्ट में, देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो ये मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा, सेकंड पार्ट की इक्वेशन को हम देख लेते हैं. तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x-3y=8. तो यहाँ पे हमें ए वन एक्स और बी वन वाई सी प्लस सी वन से कंपेयर करना है. तो ए वन यहाँ पे हो गया 2, ये ए वन, बी वन इज -3 एंड सी वन इज 8. अब इसको इक्वल में 0 करके भी -8 करके लिख सकते हो, लेकिन या तो दोनों कॉन्स्टेंट इक्वल के राइट होने चाहिए, दोनों एक लेफ्ट में होने चाहिए तभी. नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 4x-6y=9. तो ए वन इज 4, बी वन इज -6 और सी टू, सॉरी ए टू इज 4, बी टू इज -6 और सी टू इक्वल टू 9. तो फिर से हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं. ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू हो गया 2/4. तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया. नेक्स्ट हमारा बी वन अपॉन बी टू, तो -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, और ये 1, तो यहाँ पे भी ये आ गया इक्वल टू 1/2. और लास्ट हमारा है सी वन अपॉन सी टू, तो सी वन यहाँ पे कितना है, 8/9. अब यहाँ पे देखो, ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू है, तो यहाँ पे हम दो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन देखेंगे, ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है. तो ये यहाँ पे देखो 1/2 है, ये भी 1/2 है, बट ये 8/9 है. तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, ये कंडीशन किसकी हो रही है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. यहाँ हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन्स की, ये कौन सी लाइन्स की कंडीशन है, पैरेलल लाइन्स की. तो सिर्फ पैरेलल लाइन्स में ही इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, अदरवाइज बाकी दोनों में कंसिस्टेंट है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी कंडीशन है हेयर, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. तो ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट. यहाँ लिखोगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट. नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में भी हमें यही देखना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन इज 3/2x+5/3y=7. तो यहाँ ए वन हो गया हमारा 3/2, बी वन हो गया हमारा 5/3 और सी वन हो गया 7. नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड इज 9x-10y=14. तो यहाँ से ए टू हो गया हमारा 9, बी टू हो गया हमारा -10 और सी टू हो गया हमारा 14. नाउ हम यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू को चेक कर लेते हैं. तो दिस इम्प्लाइज ए वन अपॉन ए टू, तो ए वन इज 3/2 और ए टू इज 9. तो ये डिवाइड में 3 नंबर आ रहे हैं, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर जो है वो फ्रैक्शन में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो हम 1 राइट कर लेते हैं. तो इस डिवाइड के साइन को मल्टीपल में कैसे लिखते हैं, तो 3/2 × 1/9. जो डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, अब डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर. अब 3 के टेबल में 9 कैंसिल होता है 3 टाइम, तो ये यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1 × 1 1, और 3 × 2 यहाँ पे हो गया हमारा 6. ओके, नाउ हम बी वन अपॉन बी टू कैलकुलेट करते हैं. तो बी वन अपॉन बी टू, तो बी वन इज 5/3 एंड बी टू इज -10. तो ये इसको भी हम सेम वैसे ही, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं. तो 5/3 × -1/10, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम, यहाँ 1, तो
ये हो गया 1 into 1, लेकिन -1 by 6, 3 into 2, 6. नाउ कैलकुलेट करते हैं C1 upon C2, तो C1 is 7 और C2 is 14. 7 के टेबल में 14 टू टाइम, तो दिस इम्प्लाइज C1 upon C2 कितना हो गया 1/2. तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इक्वल टू A1 upon A2 हमारा 1/6 आ रहा है, और ये B1 upon B2 हमारा -1/6 आ रहा है, और C1 upon C2 हमारा 1/2 आ रहा है. मतलब कि यहाँ पे यही देखो, फर्स्ट हमें यही चेक करना है कि A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन की. हेयर A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2, ये हमारी कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की. तो यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, तो ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है. तो देयर फॉर द पेयर ऑफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इज कंसिस्टेंट. ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट के में इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे. तो अभी 3 पार्ट मैंने इसमें सॉल्व किए, रिमेनिंग 2 पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी. और अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.